नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आगाज हो गया है। इसी के साथ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की टैक्स प्लानिंग का दौर तो खत्म हो गया है, लेकिन हाँ, ITR फाइलिंग का मौसम अब जरूर ऑफिशियली शुरू हो गया है। ITR फाइलिंग को लेकर हाल ही में एक रोचक मामला सामने आया और मुझे लगा इसे डिस्कस करना चाहिए। एक महिला से जुड़ी खबर थी कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। आप इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हालांकि वो इसकी अपील कर सकती हैं, लेकिन सोचिए, केवल इनकम टैक्स नहीं भरने पर 6 महीने की जेल, क्या ये हो सकता है किसी के साथ? और क्यों ज़रूरी है इनकम टैक्स भरना? किन लोगों के लिए इनकम टैक्स भरना ज़रूरी है? किस इनकम लेवल पर जब आपकी कमाई हो रही है तो आपको इनकम टैक्स भरने को लेकर के बहुत सतर्क रहना है? और साथ ही में ITR भरने से आपको किस तरह की छूट मिलती है और नए फाइनेंशियल ईयर में आपकी टैक्स प्लानिंग, इन सब पर हम फोकस करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल जी। विनोद जी, स्वागत है आपका मनी नाइन में। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत बिल्कुल हम आपके साथ कर रहे हैं और मैं आपसे आगे पूछने वाली हूँ कि इस नए फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या मंत्र रहने वाला है टैक्स प्लानिंग को लेकर के। लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं विनोद जी से अपने सवाल, तो वो कैसे भेज सकते हैं ये देख लीजिए। आप हमें 3 तरीके से अपने सवाल भेज सकते हैं। पहला, तो आप व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर, या फिर आप ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com ये जरिया है, आप मेल कीजिए। और यूट्यूब पर लाइव जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ राइट हैंड पर आपके सवालों का हमें इंतज़ार है। जो टॉप चैट का बॉक्स है उसमें भेजें अपने सवाल। तो विनोद रावल सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद सर, वंस अगेन वेलकम और हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर टू यू। मुझे बताइए कि अभी ये जो मामला मैं बता रही थी, आपने भी आई एम श्योर देखा होगा, महिला को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर जेल की सज़ा दी गई है, तो क्या ITR नहीं भरने पर ये कदम उठा सकती है सरकार, या ये एक अपवाद था, मामला था? नमस्कार, मनी नाइन के दर्शकों को मेरा नमस्कार और नया वित्त वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए और आपकी वित्तीय स्थिति को बहुत अच्छा करे, ऐसी मेरी भगवान से मनोकामना है और साथ साथ इस सरकार से भी मनोकामना है कि लोगों की वित्तीय स्थिति अच्छी हो। चलिए, अब आपने बात की एक ऐसे मुद्दे की जो बहुत ज्यादा इस वक्त लाइमलाइट में है। एक महिला को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हालांकि पब्लिक डोमेन में वो नेम है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, रिटर्न ना भरने पर 6 महीने की सजा का आदेश दे दिया गया। देखिए, ऐसा नहीं कि यह अपवाद है, ये प्रोविजन पहले से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारे अवेलेबल है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेरिंगली यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं किए जाते थे। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि सरकार बिल्कुल सख्ती से काम कर रही है और विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ काम कर रही है और बिल्कुल करप्शन को और इन चीजों को हटाने पर काम हो रहा है, तो उसके अंदर ये भी मामला आ गया। तो सेक्शन 276 कैपिटल सी, डबल कैपिटल सी के अंदर ये प्रोविजन है कि आप अगर अपनी आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं और आपका 25 लाख रुपए से ज्यादा, अगर आपका ऐसा लगता है कि अगर नहीं पकड़े जाते तो टैक्स इवेड हो जाता, ऐसी सिचुएशन है, तो कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7 साल। और इसके साथ साथ दूसरा प्रोविजन है कि अगर 25 लाख से कम है तो ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया गया है, तो आपको 3 महीने और 2 साल, मिनिमम 3 महीने और 2 साल, ऐसी सजा का प्रावधान है। लेकिन क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन का केस है तो सरकार इसको बहुत, आयकर विभाग जो है बहुत बहुत कॉशियस से इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सजा है, किसी को जेल में डाल देना बहुत बड़ी सजा है। तो इसके साथ एक जो लाइन जोड़ी गई है वो ये है कि अगर आप जानबूझकर ऐसा करते, अब सवाल आता है कि जानबूझकर क्या होता है, कैसे जानबूझकर होता है। उस महिला के केस में 2 करोड़ रुपए की उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची थी और उनका 2 लाख रुपए टीडीएस कटा हुआ था, जो 26 AS में उनको भी दिख रहा था और उनको ये मालूम था कि उन्होंने रिटर्न भरी है। साल 2013-14 से रिलेटेड ये मामला है। आयकर विभाग ने उनको नोटिस दिया कि रिटर्न फाइल कीजिए, उन्होंने नहीं की। उन्हें नोटिसेस दिए, उन्होंने नहीं परवाह की उसकी, उन्होंने परवाह नहीं की। हालांकि उनके वकील का ऐसा कहना था बाद में कि वो महिला जो है वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है और वो अकेली है और उनको समझाने वाला कोई नहीं था, तो ये उनसे ही गलती हुई। तो माननीय जज साहब ने उनको मौका दिया कि आप 30 दिन के लिए, आप बेल भी मैं साथ साथ आपको दे रहा हूं, आप इसकी अपील कर सकते। तो शायद उन्होंने अपील भी कर दी होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये एक अलार्म बटन है, एक अलर्ट है बाकी लोगों के लिए भी
क्योंकि अभी तक सब लोगों को यह लगता था कि रिटर्न नहीं भरी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ब्याज पेनल्टी लगेगी, और उसके साथ साथ अब सजा का प्रावधान है और सरकार उसको इस्तेमाल उस सेक्शन को आयकर विभाग करने चला है। तो बहुत ध्यान से अपना काम कीजिए और अपनी रिटर्न्स को टाइम से फाइल। बिल्कुल, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाइए। तो ये मामला जो था, इसमें हमने देखा इवेजन प्लस जानबूझकर आपने एक शब्द यूज किया, वो उसका इस्तेमाल किया गया है। तो और भी ऐसे कंडीशंस हैं क्या जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर जेल हो सकती है? नहीं देखिए, उसके अलावा तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि आपने टीडीएस समय से जमा नहीं किया, किसी तरह के डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, तो बिल्कुल सेक्शन 276 इसी के ऊपर है, प्रोसिक्यूशंस के लिए है, 276 पूरे का पूरा इसी पर है, तो इसको यूज भी किया जाता है। लेकिन आयकर रिटर्न भरने पर जेल होने का, शायद ये मेरे ख्याल से मैंने अभी तक अपने कैरियर में नहीं सुना है, ये पहला मामला हो सकता है या इससे पहले हो तो हमारे संज्ञान में नहीं आया है इतना स्ट्रांगली किसी बात को लिया गया हो, क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट और पेनल्टीज की बात होती है, मतलब इस सेक्शन को पूरा देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर जेल के प्रावधान हैं, तो उनको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। मेनली सरकार जो है, जहां टैक्स का इवेजन होता है, जहां किसी पर सर्च हुई है, रिटर्न फाइल नहीं की गई, टीडीएस काट लिया, जमा नहीं किया गया, या रिटर्न फाइल नहीं की, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, तो सरकार के जितने भी काम जो सरकार आपसे करवाती है, अगर आप नहीं करते तो प्रोसिक्यूशन के प्रावधान उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में है। मैं आपके कार्यक्रम पर डराने पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, समझाने वाला आपका कार्यक्रम है कि लोगों को हम प्रोएक्टिवली बताएं कि वो अपने आप को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं, तो आई थिंक उनको एक बार अपने टैक्स कंसल्टेंट से इसके बारे में जरूर राय करनी चाहिए कि वो इन चीजों को, जो भी कंप्लायंसेज उन पर सरकार ने डाली है, जो जिम्मेवारी डाली है, उसको पूरा करें। बिल्कुल, डराना नहीं है, समझाना है हमारा मकसद। और देखिए, वो जो महिला का किस्सा जो मैं बता रही थी, आई एम श्योर आप लोगों ने भी उसे पढ़ा होगा। विनोद सर ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें बार बार जो है आगाह भी किया कि भाई आपको ये भरना है, और वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। उनकी जो वजह थी, ये सब अंडर सब्जेक्टिस है, लेकिन इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप अपना रिटर्न, अपने टैक्स कैलकुलेशन, अपने टीडीएस, इन सब के बारे में, अपने खर्चों के बारे में कुछ भी ना छुपाएं, क्योंकि अब सरकार के पास सारी जानकारी जो है वो पहुंच रही है। और इसीलिए हम एक अब एनुअल इनकम स्टेटमेंट भी सरकार देना शुरू कर चुकी है, हम जब रिटर्न भरने के लिए जाते हैं। तो रिटर्न भरना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? विनोद सर, आप हर साल लाखों की तादाद में रिटर्न भर रहे होंगे, मुझे लगता है आप क्या बताना चाहेंगे, क्यों जरूरी है, क्यों सरकार इसको बहुत सीरियसली लेने वाली है अगर आपने इनकम टैक्स के आप दायरे में आते हो और रिटर्न नहीं भरा तो? देखिए, हमने अपने कार्यक्रम में बहुत बार ये बात पहले भी बताई कि सरकार 360 डिग्री रडार लगा चुकी। अब आपके पहले सिर्फ आय पर ध्यान रखा जाता था और वहां से लिया जाता था, लेकिन सरकार अब आपके खर्चों पर भी नजर रख के बैठी है। इनकम टैक्स आयकर का प्रावधान 139 सबसेक्शन 1 रिटर्न्स की बात करता है कि किन किन लोगों को रिटर्न भरनी जरूरी है, तो उसके अंदर ये प्रावधान दिए गए हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल देते हैं एक साल में, 2 लाख से ज्यादा आप फॉरेन ट्रेवल करते हैं पर खर्चा करते हैं अपने लिए या किसी और के लिए आप करते हैं, इसी तरह से आपके कोई फॉरेन एसेट है और उसके आप बेनिफिशियरी हैं, कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है जिसमें आपको सिग्नेटरी बनाया गया है तो उस पर आपका कंपलसरी है, 1 करोड़ करंट अकाउंट में या 50 लाख आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जमा होता है पूरे साल भर में। उसके अलावा अगर आप किसी तरह का क्लब का मेंबरशिप है आपके पास उन सिचुएशंस में, या आप प्रोफेशनल हैं और आपकी ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा हैं, तो आपके लिए आयकर रिटर्न भरनी जरूरी है। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसके लिए भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये बहुत सारे ऐसे कंडीशंस भी हैं जो आय के अलग हैं। यहां आय का मतलब नहीं है, यहां खर्चे की बात कर रहे हैं हम सारे के सारे अगर आप देखेंगे। और उसके अलावा अगर आपकी आय बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तब तो आपको रिटर्न भरनी ही भरनी है, उस पर कोई डाउट है ही नहीं। और उसके अलावा अगर आप बेसिक एग्जम्पशन का ओल्ड रिजीम की अगर हम बात करें तो 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर अगर आप हैं और 5 के बीच में है, अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको एग्जम्पशन की लिमिट का फायदा नहीं मिलता है, आपको रिटर्न भरने पर ही वो मिल सकता है। तो आपको ये रिटर्न भरनी सेक्शन 139(1) के अंदर मैंडेटरी है, ये आपकी चॉइस नहीं है, आपको भरनी ही भरनी है। जैसे इस केस में उन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी महिला ने, तो 2 करोड़ रुपए उनके बैंक में आए थे और आयकर विभाग ने उसकी रिपोर्टिंग के बेसिस पे लिया था,
तो ये आयकर रिटर्न आपको भरनी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मैंडेटरी है, वॉलेंट्री नहीं है। मैं बार बार इस लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी ओल्ड रिजीम का जिक्र किया विनोद सर, और कहा कि भाई अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में तो आप पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, रिटर्न भरना ज़रूरी है। अब न्यू रिजीम में यही जो 5 लाख की छूट है वो 7 लाख तक की आय वालों को मिल रही है, तो उनको भी क्या वो छूट पाने के लिए रिटर्न भरना होगा या फिर वो रिटर्न नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा? देखिए, अगर आप देखेंगे नए रिजीम के अंदर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो उसी में जो लिमिट है उससे ज्यादा अगर 7 लाख के बीच में है तो बिल्कुल आप रिटर्न भरने पर ही आपको सेक्शन 87 ए रिबेट देता है। अगर ठीक आप है, रिटर्न नहीं भरेंगे तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का ही बेनिफिट उठा सकते हैं, आप उससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो रिटर्न भरना जरूरी है, बिना रिटर्न भरे हुए आपको ये एग्जम्पशन लिमिट का फायदा नहीं देता। ठीक है। तो सेक्शन 87A की रिबेट, भाई जो ओल्ड रिजीम से रिटर्न भरने वाले हैं, 5 लाख तक की आपकी अगर केवल इनकम है तो आपको ये छूट मिल सकती है, लेकिन रिटर्न भरना जरूरी है। न्यू रिजीम में भर रहे हैं 7 लाख, यानी 3 लाख और 7 लाख के बीच में भी अगर आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स लाइबिलिटी आपकी जीरो हो सकती है, लेकिन इस रिबेट 87A रिबेट को पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना मत भूलिएगा। अब मैं बात करना चाहूंगी अपने सीनियर सिटीजन्स की, 60 साल या इससे ऊपर, और सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 या उससे ऊपर के उम्र के जो लोग हैं उनके लिए क्या है रिटर्न के रूल और उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है दोनों ही रिजीम में? क्या नई रिजीम में इन्हें भी कुछ फायदा मिल रहा है विनोद सर? देखिए, बिल्कुल दोनों को फायदा दिया गया है। जो 60 साल सीनियर सिटीजन है उनको तो कोई बेनिफिट नहीं है, उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वही 3 लाख रुपए है। लेकिन जो 80 साल से ऊपर है उनके लिए 5 लाख जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की गई है। उसके अलावा और ज्यादा एजिंग के साथ जो वुमेन के साथ, आपको याद होगा पहले महिलाओं को भी कुछ रिबेट मिला करते थे, वो सरकार ने कहा कि जब आप कंधे से कंधा सब मिलाते हैं तो उन्होंने उम्र का और जेंडर का ख्याल ज्यादा नहीं रखा है, तो उस पर एज इट इज उस पर बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। एक छोटा सा बेनिफिट है जो मैंने आपको बता दिया है कि सुपर सीनियर में 5 लाख रुपए से ऊपर जो है उनको भी एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। ठीक है, तो सुपर सीनियर सिटीजन्स को जो है यहाँ पर फायदा है। सीनियर सिटीजन सभी लोग अब एक ही तरह से एग्जेम्पशन लिमिट के तहत, उनकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट एक ही रहेगी। इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से जुड़ी एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने हल्का सा टच किया शुरुआत में विनोद सर, कि भाई हमने बात की इनकम की, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से मेरी इनकम कम है, पुरानी रिजीम है 2.5 लाख से कम कमाई है तो कोई रिटर्न नहीं भरना है, 3 लाख से कम कमाई है न्यू रिजीम, मतलब किसी भी रिजीम में आपको टैक्स नहीं भरना है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन सरकार ने रखे हैं कि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होगी तब भी आपको ITR फाइल करना होगा, ये कंडीशन क्या है और क्यों रखे हैं गए ये विनोद सर? देखिए, सरकार ये चाहती है कि रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हैं तभी आपको रिटर्न फाइल करना है। तो सरकार का बेसिक मकसद है कि वो आपका आय का ब्यौरा चाहती है कि आप किन लोगों के साथ बिजनेस करते हैं। हो सकता है आप जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं उनकी इनकम के ऊपर कहीं टैक्स लगाने के लिए आपका सहारा लिया जा सकता है। जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो वैसे कोई टैक्स नहीं देती है, पर जो उनको डोनेशन देते हैं सरकार उन तक तो पहुंच सकती है। फिर मैं टच करूंगा, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पूरे का पूरा खेल इसी तरफ जा रहा है। तो सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं सेक्शन 139(1) के अंदर, जिनके बारे में मैंने पहले भी टच किया था। अगर आप अपने करंट अकाउंट में, अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका करंट अकाउंट है तो आप 1 करोड़ से ज्यादा अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपको आयकर का रिटर्न भरना है, भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो या जीरो भी हो या लॉस भी। इसी तरह से अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा सेविंग बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको करना पड़ेगा। आप 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल पे करते हैं एक साल, मतलब 8,000 रुपए महीना, आप अगर मैं उसको एवरेज करूंगा, हालांकि कंडीशन 1 लाख है मंथली पे, प्लीज कैलकुलेट मत कीजिएगा, मैं साल के 1 लाख की बात कर रहा हूं, 1 महीने में भी 1 लाख हो सकता है तो ये मानिए। तो इसी तरह से अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा आप फॉरेन ट्रेवल पे अपने लिए या अपने बैंक अकाउंट से किसी और के लिए खर्च कर रहे हैं, और ये जो कंडीशंस है, या आप प्रोफेशनल हैं मेरी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, एडवोकेट है, या जो भी मीडिया पर्सन है या किसी तरह से भी प्रेस से जुड़े हैं, जो प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं वो लोग, उनकी अगर ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उनको ये रिटर्न भरना मैंडेटरी है, उनको ये बेसिक कंडीशंस है, भले ही उनकी आय ना हो।
बेसिक कंजम्पशन लिमिट से कम हो तो भी उनको रिटर्न भरनी उनके लिए जरूरी है, तो दे है। ओके, सो फाइव थिंग्स जो बोले हैं विनोद सर ने, भाई आप करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा करते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा पैसा है, 1 लाख से ज़्यादा साल में अगर आपने बिजली बिल अदा किया है, 2 लाख आपने फॉरेन ट्रैवल पर, केवल अपने ही नहीं किसी और के लिए भी अगर आपने ट्रिप स्पॉन्सर की है, और अगर प्रोफेशनल हैं तो 10 लाख से ज़्यादा की कमाई जब हुई है, तो इन लोगों के लिए रिटर्न भरना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो अब जो है 31 मार्च तक जिसको जो निवेश करना था, आई एम श्योर आप भी बहुत बिजी रहे होंगे, उस सारे काम निपटा लिए, अब आ गई है बारी भाई, अब हमारी नज़र होनी चाहिए 31 जुलाई की डेडलाइन यानी रिटर्न भरने की आखिरी डेट पर। तो आप अगर ये मिस हो जाती है तो पेनल्टी लगेगी, क्यों विनोद जी, और क्यों आप कहना चाहेंगे कि भाई 31 तक ये काम कर लीजिए, मिस नहीं होने दीजिए, क्योंकि सरकार ने फॉर्म्स भी रिलीज कर दिए रिटर्न के सारे। जी बिल्कुल, सरकार इस बार प्रोएक्टिव है और आज 1 अप्रैल को पूरा एक्सेल का पूरा जो ऑफलाइन यूटिलिटी है वो इश्यू हो गई है, आप चाहे तो रिटर्न भर सकते हैं। हालांकि आपको टीडीएस सर्टिफिकेट्स के आने का इंतजार करना होगा, जिनका टीडीएस कटता है, जिनका टीडीएस नहीं कटता है वो अभी अपना जमा कर सकते हैं। तो 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सेक्शन 139(1) में। आप इस डेट को ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि आपको रिटर्न देनी ही देनी है, पर अगर किसी वजह से आप इस डेट पर नहीं दे पा रहे हैं तो आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न, मतलब जो लेट रिटर्न जिसको बोलते हैं, वो फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक पेनल्टी के साथ। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपए, और 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5 लाख रुपए 5,000 रुपए तक की पेनल्टी लगती है, वो आप उसको पे करिए और उसके बाद आप ये रिटर्न जो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि उसके कुछ नुकसान हैं जिसके बारे में हम अगर बात करें तो बिलेटेड रिटर्न में जो दिक्कतें हैं वो हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन आप फाइल कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता आपको वो जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने कंप्लायंसेस को बिल्कुल टाइमली फाइल कीजिए और मनी नाइन आपकी इसमें मदद करता है पूरा आपको नॉलेज लेने के लिए, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपने कहा बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नुकसान है, वो भी बता ही दीजिए भाई कौन से नुकसान है, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि मेरे पास विंडो है, ये गाड़ी छूट गई 31 जुलाई की तो बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भर दूंगी, लेकिन नुकसान है इसमें? जी बहुत नुकसान है। देखिए सबसे पहले तो आपका जो रिफंड आना है जिसको आप अगर 31 जुलाई को क्लेम करेंगे तो आपको इंटरेस्ट उस हिसाब से मिलता है, आप जितना लेट करेंगे तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते, क्योंकि असेसमेंट ही नहीं हुआ। उसके बाद आप पेनल्टी तो दे ही रहे हैं। तीसरा, अगर आपके लॉसेज है किसी भी तरह से तो आप उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप उनका बेनिफिट अगले सालों में जाकर के जो आपको लेना है वो आप नहीं ले पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाता है बिजनेसमैन के लिए। बहुत लॉसेज होते हैं जिनको कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी होता है, उनके लिए लॉस हुआ है तो सरकार उस पर एक तरह से टैक्स का रीइंबर्समेंट देती है इन कमिंग ईयर्स, 8 साल के अंदर आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, तो टाइमली रिटर्न फाइल कीजिए। तो ये बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के ये नुकसान होते हैं, भले ही आपकी रिटर्न फाइल हो गई है लेकिन उसके साथ ये नुकसान भी आपको साथ में हो जाते हैं। तो मेनली तो इंटरेस्ट का लॉस है आपका और पेनल्टीज। तो विनोद सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ अब शुरू हो गया है भाई, पुरानी तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करना था सब कुछ कर लिया है, तो मैं आपसे 2 एडवाइस मांगने वाली हूँ। पहली एडवाइस उन लोगों के लिए जो अपना ITR जिनको भरना है, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, और नए फाइनेंशियल ईयर के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? अब मतलब एक रिटर्न से जुड़ी हुई एडवाइस और एक नए फाइनेंशियल ईयर की एडवाइस चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल जी की क्या होगी? देखिए रिटर्न्स तो मैंने आपसे बताया कि आप अपनी टाइमली फाइल कीजिए, फॉर्म बहुत ध्यान से चूज कीजिए क्योंकि 7 तरह के फॉर्म्स हैं, आप चूज कीजिए आप किस में फिट होते हैं वो फॉर्म फाइल कीजिए ताकि आपको आपकी रिटर्न डिफेक्टिव ना हो जाए किसी भी तरह से। आप अपना जो आय का ब्योरा है, जो आय की डिटेल है, वो बिल्कुल केयरफुली ऑनेस्टली और करेक्टली फाइल कीजिए। डिपार्टमेंट आपको AIS देता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उससे रिकनसाइल कीजिए अगर कोई उसमें वेरिएशन है। अगर आपको लगता है आपके AIS में गलत रिपोर्टिंग है तो बिल्कुल कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर के उसको भी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो तब तक वो वहीं रहेगा और आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी और आपको आपके रिफंड्स होल्ड पे चले जाएंगे। तो आयकर रिटर्न से रिलेटेड तो यह है। अब मैं दूसरी सलाह आपको दे रहा हूं कि पिछले साल में हमने देखा कि हाउस रेंट अलाउंस के लिए अभी 31 मार्च को बहुत नोटिस इशू हुए हैं फेक HRA रिसीट्स के लिए,
और फेक पॉलिटिकल डोनेशंस के लिए। तो इन गिमिक से बचिए, क्योंकि अब अप्रैल शुरू हो गया है, तो अब ये सब एक ड्रामा और शुरू होगा। एक जो लॉबी है जो इसके लिए काम करती है, वो अपना काम शुरू करेगी। तो बिल्कुल इसमें मत ट्रैप होइए और ईमानदारी से अपना टैक्स दीजिए। देश की तरक्की में आपके योगदान है ये। इसको आप ये मत मानिए कि कोई बहुत हैवी टैक्सेस नहीं है, बिल्कुल आप इसको मान करके चलिए। और जो लगता है, देखिए विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ आप काम करेंगे, आप चैन की नींद सोइए। किसी तरह से कोई गिमिक्स में मत फंसिए। कोई डोनेशन की रिसीट्स, फेक पॉलिटिकल डोनेशंस, एचआरए या किसी तरह के, आप उसमें मत जाइए। मेरी आपसे राय ये होगी कि आप अपनी रिटर्न को, जो आपका टैक्स बनता है, उसको ईमानदारी से पे कीजिए। ये आपको ज्यादा सुकून देता है और आपको ज्यादा फायदे में रखता है, और आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी चीजों में चलती है, और आप ज्यादा उसमें से अपने ब्रेन को चला के ज्यादा पैसा कर। बिल्कुल। तो दो बातें जो एचआरए और डोनेशन, इनका इस्तेमाल जो है ना फर्जी रसीद देकर टैक्स बचाने के लिए जो लोग करते हैं उनको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरे साल भी हमने देखा है और अभी देखा कि एचआरए को लेकर के एक ऐसा ही गिरोह जो है वो सामने आया है, और पूरे साल डोनेशन को लेकर के सरकार ने जो है कई लोगों को नोटिस भेजे हैं। तो ये नोटिस और इन सब की जो है ना नींद उड़ाने वाले काम करना ही नहीं है, ईमानदारी से भरना है रिटर्न।